नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, एक तरफ जनता को लोन लेने को उकसा रहे हैं, दूसरी तरफ टैक्स वसूली से अंधाधुंध कमा रहे हैं। सरकार है या पुराना हिंदी फिल्म का लालची साहूकार। दरअसल राहुल गांधी ने एक मीडिया रिपोर्ट को भी ट्वीट करके शेयर किया है, जिसमें पेट्रोल डीजल पर 88% का एक्साइज ड्यूटी का उछाल का हवाला दिया गया है, जिसके जरिए सरकार ने 3,35,00,00,000 रुपए की राशि इकट्ठा की है। आपको बता दें, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बाद भी देश में पेट्रोल और डीजल के दाम में कमी देखने को नहीं मिल रही है। कच्चा तेल 7.63% कम होकर $66.33 प्रति बैरल तक पहुंच गया है, लेकिन घरेलू बाजार में जनता को इसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है। पिछले 3 दिनों में रसोई गैस की कीमतें स्थिर हैं, लेकिन पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में इजाफा किया गया है। दिल्ली में आज पेट्रोल के दाम 101.84 रुपये प्रति लीटर तक पहुँच गए हैं, जबकि डीजल 89.87 रुपये प्रति लीटर तक पहुँच गया है। गौरतलब है कि पिछले 42 दिनों के अंदर पेट्रोल के दाम में 11.52 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो चुकी है। हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र तेल कंपनियों ने 27 फरवरी को आखिरी बार पेट्रोल डीजल की बढ़ोतरी की थी, जिसके बाद 2 महीने तक कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की गई, लेकिन इसके बाद लगातार रुक रुक कर दामों में बढ़ोतरी की गई। तेल के बढ़ते दाम के खिलाफ 19 जुलाई को संसद के मानसून सत्र में टीएमसी के सांसद साइकिल से पहुंचे और पेट्रोल डीजल एलपीजी के बढ़ते दाम के खिलाफ नारेबाजी की। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।